ट्रिपल फोर अवेक में एन एंजली गार्डन्स में आप सभी का स्वागत है। पूर्ण विश्व जय माता दी। दोस्तों आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर्स के हायर सेल्फ में कौन से मैसेज छुपे हैं आपको लेकर के, आपको वो क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आपको वो क्या कहना चाहते हैं। तो हम फोर कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर क्या छिपा हुआ है, उनके हर्ट में क्या छिपा हुआ है, उनके हर्ट चक्रा में क्या छिपा हुआ है। एंजल प्लीज़ गाइड करें। फोर कार्ड्स एंजल प्लीज़ गाइड करें। फोर कार्ड्स एंजल प्लीज़ गाइड करें। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के हर्ट में कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, उनके हायर सेल्फ में ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो वो डिलीवर करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे पास कार्ड्स आ गए एंड बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ कॉइंस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड था टू ऑफ वॉन्ड्स। चलिए हम इसे अरेंज कर लें। फर्स्ट कार्ड टू ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड था आपका द हर्मिट की एनर्जी, थर्ड कार्ड थ्री ऑफ कप्स है, फोर कार्ड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका थ्री ऑफ कॉइंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोल दूँ कि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, वर्गो पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो अर्थ साइन वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो चारों साइन है, कलेक्टिव साइन अगर हम कहें तो यहाँ पे सभी साइन है, हर्मिट की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी है, तो जितने भी 12 साइन है वो सब है यहाँ पे। एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, तो ऑल साइंस आर प्रेजेंट हेयर। तो फर्स्ट कार्ड जो है हमारा टू ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर जो है कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं और बहुत ही पॉजिटिव वे में डिसीजन लेना चाहते हैं। उसके बाद वो हर्मिट के एनर्जी में गए हैं, वो अपने आपके इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। ये बातें चल रही हैं कि आपको ये डिसीजन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली थ्री की एनर्जी दो बार है, तो थ्री ऑफ कॉइंस एंड थ्री ऑफ कप्स वो आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी में है। लेकिन साथ ही साथ जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में भी हो सकते हैं वो आपके पार्टनर, लेकिन वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके जो है थ्री ऑफ कप्स जो है वो इसका ऑफर जो है आपको देना चाहते हैं, इसी के बारे में वो डिसीजन ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं, आपसे ये बातें करना चाहते हैं। चलिए इसे हम क्लैरिफाई भी करते हैं। सो व्हाई इज टू ऑफ वॉन्ड्स हियर, व्हाई इज टू ऑफ वॉन्ड्स हियर। एंजल प्लीज गाइड करें। व्हाई इज टू ऑफ वॉन्ड्स हियर, एक दो कार्ड्स है। वी आर द वर्ल्ड मैच्योरिटी, यस वो मैच्योर हो रहे हैं, वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं, आपको वर्ल्ड लेवल पे ये एनर्जी जो है वर्ल्ड लेवल पे भी हो सकती है, और वो आपको बताना चाहते हैं कि आप ही उनकी दुनिया हो। वो मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, उन्हें इस कनेक्शन के बारे में समझ आ रहा है कि इस कनेक्शन ये जो बना है तो यूं ही नहीं बना है, इस कनेक्शंस का एक डिवाइन के तरफ से ये बना हुआ कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को वो आगे तक ले जाना चाह रहे हैं। वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, असेंड हो रहे हैं अपने एनर्जी लेवल पे। सॉरी दोस्तों, मैच्योरिटी की जहाँ पे बात की जाए तो वो हर तरह से ही मैच्योर हो रहे हैं, चाहे वो हर्ट चक्रा की हो, चाहे वो इंट्यूशंस उनकी हो, चाहे वो उनका सबसे ऊपर जो चक्रा है आज्ञा चक्र जिसे बोलते हैं उसके इंट्यूशंस हो, या सोलर प्लेक्सस चक्रा हो। सो हर लेवल पे, या फिर अपने सेक्रल चक्रा पे वर्क करना हो, प्योरिटी पे वर्क करना हो, तो हर तरह से ये मैच्योर हो रहे हैं।
हर लेवल पे ये मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि आपको कनेक्शन के बारे में यहाँ पर भी देखिए, आप चारों साइन है, सेवन चक्रा यहाँ पर भी, वी आर द वर्ल्ड, सेवन कलर्स आपको दिख रहे होंगे। इट मीन्स कि ये जो सेवन कलर प्रेजेंट है यहाँ पे, इट मीन्स कि उनके जितने भी चक्र हैं वो सब अवेकन हो रहे हैं, सब मैच्योर हो रहे हैं, उनको ये ज्ञान हो रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन प्योर कनेक्शन है। चलिए हम देखते हैं व्हाई इज हर्मिट हियर, क्यों है हर्मिट यहाँ पे, एंगल प्लीज गाइड करें हर्मिट क्यों है, द बर्डन एंड द आउटसाइडर। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इनको ब्लॉक कर रखा है और ये बाहर से ही आपको स्पाई करते हैं, आपको देखते हैं दूर दूर से ही, आपकी डीपी देखते हैं या आपको आपके तरफ जाने की कोशिश करते हैं। नंबर सिक्स इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, नंबर फाइव इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, नंबर वन इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में होंगे, और या तो आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, मुझे तो लगता है जो हमारे व्यूवर्स है उन्होंने ही अपने पार्टनर को, ज़्यादातर चांसेस है उन्होंने ब्लॉक कर रखा है अपने पार्टनर को, और वो बाहर से ही आपको देखते हैं, वॉच करते हैं, या किसी मीडियम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, या फिर कहीं और से भी आपको ऑनलाइन देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं। बेचारे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपने उन्हें अंदर आने की परमिशन ही नहीं दी है, या मुझे ऐसा भी लगता है कि इन्होंने अपने साइड से ही ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है इनके ऑलरेडी, इनके साइड ये चाहे तो वो अनब्लॉक करके आपके तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आउटसाइडर बन करके बाहर से ही देख रहे हैं, आपको मजा ले रहे हैं कि भाई आपके जीवन में क्या चल रहा है, सारी चीज़ों का ब्यौरा चाहिए इनको, ब्यौरा चाहिए। तो भाई अंदर आइए, आप रूम में आइए, आप जिसको छोड़ कर गए उसके दिल में आइए। ये बाहर बाहर से ये देखने का कुछ मतलब नहीं समझता है। ये सिचुएशंस ना इनके लिए ही माथे का जपाल बना हुआ है, माथे का जपाल इन मीन्स कि इनको खुद ही बर्डन हो रहा है, खुद ही परेशान हो रहा है, बाहर बाहर से देख करके अपने फीलिंग्स को दबा करके, अपने आप को आपकी तरफ ना ले जा करके, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे, जिसको बोलते हैं ना, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, खुद ही बर्डन ले रहे हैं, माथे पे बोझ लेकर के चल रहे हैं, और हमेशा ये आपको बताते रहेंगे मेरे साथ मजबूरी है, मैं इस कनेक्शन में ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आपके पार्टनर के मुंह से आपने हमेशा ये सुना होगा, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत बर्डन है इसलिए मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी तरफ आ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे डायलॉगबाजी आप बहुत बार अपने पार्टनर से सुने होंगे कि मेरे साथ मजबूरियाँ हैं, मेरे साथ जिम्मेदारियाँ हैं, और मैं तुम्हारे तरफ आना तो चाहता हूँ पर आ नहीं पा रहा हूँ। ये इंसान ना खुद ही अपने माइंड में ना फालतू का माइंडसेट करके बैठा हुआ है कि हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा घिरा हूँ, मजबूर हूँ, लेकिन ये कोई मजबूर नहीं है, चाहे तो लॉक तो खोल करके बाहर जा सकता है, क्योंकि लॉक इसी के साइड है, की भी इसी के साइड होगी, क्योंकि अंदर से ये लगा हुआ है तो की भी इसके पास होगी। झूठ मूठ का बर्डन लेकर के झूठ मूठ का स्पाई कर रहा है आगे, जो है ये पर्सन जो है आपको देखता है, ताड़ता है हर जगह से, आपको फॉलो करता है, लेकिन जब रिश्ता निभाने की बात होती है तो ये अपने बर्डन का राग अलापना, मजबूरियों का राग अलापना शुरू कर देता है। बस इन्हीं सब विचारों को उधर मन में ये सोचता रहता है, सिर्फ सोचना ही इसकी काम है, इसका काम ना बस सोचते रहो तो बस यही चलता रहता है। शेख चिल्ली होता है ना, सिर्फ सपने देखना सोचना, बस यही है, शेख चिल्ली से कम नहीं है ये पार्टनर। Why is three of cups here, Angel? Please guide us. Intensity. Yes. ये बहुत ज़्यादा intensity इनकी high है, क्योंकि three of cups की energy है, ये आपके साथ जाना तो चाहते हैं, celebrate करना चाहते हैं, आपके साथ enjoy करना चाहते हैं, आपके साथ life को खुल करके जीना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही intense feeling इनकी इनको आती है, बड़े ही वेग से सोचते हैं कि आपकी तरफ बढ़ जाऊं एकदम, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये हर्मिट एनर्जी में चले जाते हैं, सोचने विचारने लग जाते हैं। तो इनकी इंटेंसिटी बहुत आई है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ड्रीम आते होंगे, इंट्यूशंस आते होंगे बहुत ही तीव्र, और सेक्सुअल थॉट भी इनको आते होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा रेड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऑरेंज की एनर्जी है यहाँ पर, इनका मन करता होगा यहाँ पे ऐसा एक्शन लेने का मन करता होगा, येलो की एनर्जी है, तो ये बहुत ही जल्दी एक्शन लेने के मूड में आ जाते होंगे कि नहीं अभी तो बात करनी ही है एकदम, और तेज़ी से चलना ही है। इनको बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग आती होगी आपकी तरफ बढ़ने की। व्हाई इज सिक्स ऑफ सोर्ड्स हियर, जब से कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ने का मन करता है, तुम्हारी तरफ आने का मन करता है,
तुमसे बात करने की इच्छा होती है, तुम्हारे साथ समय बिताने की इच्छा होती है, तुम्हारे साथ एक यूनियन में आने की इच्छा होती है, बोलना चाहते हैं वाई सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। चलिए पॉसिबिलिटी, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स मूविंग की एनर्जी है, टू की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है, तो पॉसिबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये कनेक्शन मूव ऑन करके वो आपको थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके साथ आना चाहते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ है, आप उम्मीद मत हारे हैं, आप इस कनेक्शन पे वो वर्क कर रहे हैं, वो आपकी तरफ ज़रूर मूव ऑन करेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी बहुत हाई है, तो इंटेंसिटी जब हाई होगी तो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आना बनता है। ये इस कनेक्शन पे वर्क होगा, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। तो चलिए हम थ्री ऑफ कॉइंस के बारे में जान लें। बॉटम ऑफ द डेक में इसमें है कंट्रोल, थ्री ऑफ कॉइंस देना है कमिटमेंट, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्यों कंट्रोल कर रहे हैं ये, क्यों कंट्रोल कर रहे हैं ये। थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हैं इसलिए खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, कमिटमेंट देने से भाग रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर और क्या वजह है कंट्रोल करने की खुद को, इतना इंटेंस फीलिंग होने के बावजूद खुद को कंट्रोल करना क्यों है। खुद को कंट्रोल करने की वजह से ये काफ़ी स्ट्रेस महसूस करते हैं और ये चेंज चाहते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो कंट्रोल अब तक उन्होंने किया है वो चेंज लाना चाहते हैं। किस प्रकार का चेंज लाना चाहते हैं एंजल प्लीज बताइए, किस प्रकार का चेंज लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो किस प्रकार का चेंज चाहते हैं अपने लाइफ में, वो किस प्रकार का चेंज चाहते हैं एंजल प्लीज गाइड करें, अपने लाइफ में वो किस प्रकार का चेंज लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो किस प्रकार का चेंज। ओ वाह वाह, बहुत सारी कार्ड्स हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक पार्टिसिपेशन, तो अपने लाइफ में वो फ्रेंडलीनेस, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ हर वो मोमेंट शेयर करना चाहते हैं, गोइंग विद द फ्लो। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, जैसी चल रही है, उसके साथ ही आपके साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं। अगर यहाँ पे बहुत सारे के लोगों की रिश्तों की शुरुआत अगर दोस्ती से हुई होगी तो वो अपने लाइफ में दोस्ती में बनाना चाहते हैं। इमोशंस काफ़ी भर भर के बाहर आ रहे हैं क्योंकि इंटेंसिटी बहुत आई है, इनको पता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सॉरी दोस्तों, ये लाइट का ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फीलिंग है और ये गोइंग विद द फ्लो में जाना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी कि लाइट कट गई है। चलिए हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये एक चेंज लाना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को ये शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। जो सिचुएशन जैसी चली आ रही है वो वैसा भी चाहते हैं कि ये सिचुएशन जैसी थी पहले वैसे ही चलते जाए, और इसी सिचुएशंस में आपको वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, इसी सिचुएशन के साथ रह करके आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। तो ये थी उनकी इंटेंस फीलिंग, हायर सेल्फ उनके मन में क्या छुपी हुई बातें थी, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि वो यूनियन में तो आना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, पर जो सिचुएशंस अभी है जैसे है या उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनके साथ ही आपके साथ इस यूनियन में आना चाहते हैं, यानी वो भी चाहिए और आप भी चाहिए, तो ऐसा तो थोड़ा ही हो सकता है। तो उनके मन में ये भावनाएं अभी फ़िलहाल चल रही है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन होना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है उनके माइंड में ये चल रहा है कि गोइंग विद द फ्लो, यानी कि जैसा चल रहा है चलने दे, और उसे बाहर आने की वो सोच रहे हैं अभी, और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।